हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल के दिन हमने देखा था कि गोप कुमार जब गोलोक धाम पहुँचे तो उसने किस प्रकार से उस गोलोक धाम का दर्शन किया और उसे प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक गोलोक धाम और इस भौतिक जगत का जो व्रज धाम है वो एक जैसा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। फिर वो यहाँ वहाँ पर घूमते फिरते फिर वो भगवान श्री कृष्ण की व्रज भूमि में उपस्थित हुए और फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात अलग अलग व्रज निवासियों के साथ हुई, जिनसे उन्होंने भगवान के बारे में प्रश्न किया। फिर उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला के लिए सुबह से ही चले गए हैं और अभी शाम के समय वो वापस आने वाले हैं। तो गोप कुमार भी वहाँ पर रुके और फिर जब उन्होंने भगवान का आते हुए दर्शन किया तो अत्यंत भाव विभोर हो गए। वहाँ के ब्रजवासियों का पूरी तरह से वर्णन वहाँ पर किया गया और जब भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही गोप कुमार को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर उसे दौड़े दौड़े आए और उसे आलिंगन किया, लेकिन आलिंगन करते ही भगवान मूर्छित होकर गिर पड़े और साथ ही गोप कुमार भी उनके साथ मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर इसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन हमने कल किया था, आज उसी बात को फिर से दोहरा रहे ताकि कंटिन्यूएशन हो सके। आगे ऐसा वर्णन आया है, सचेतन होने पर मैंने यत्नपूर्वक श्री भगवान के हस्त कमलों को अपने कंठ से अलग किया, तब मैंने देखा कि श्री नंदनंदन प्रेम मूर्छावशतः भूमि पर ही पड़े थे तथा उनके अश्रुओं की धारा से वे वह धूलियुक्त पथ कीचपूर्ण हो गया था। तो यहाँ पर गोप कुमार जो है वे भगवान श्री कृष्ण के साथ जब उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के समय पर भगवान श्री कृष्ण और गोप कुमार नीचे ज़मीन पर गिर पड़े थे। तो थोड़ी देर पश्चात जब गोप कुमार को होश आया तो उन्होंने देखा कि भगवान अभी भी ज़मीन पर गिरे हुए हैं और उनकी आँखों से अश्रुधारा बहते हुए ज़मीन पूरी तरह से कीचड़ बन रही है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान इस प्रकार से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। तब गोपियाँ वहाँ एकत्रित होकर परस्पर कहने लगी, यह कौन है, कहाँ से आया है तथा इसने यह क्या किया, इसने ही हमारे प्राणनाथ की ऐसी अवस्था की है, हाय हाय अब हम सब व्रजवासी मारे गए हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े और सारे जो व्रजवासी जो थे उन्होंने देखा कि कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े तो सबको बहुत भय लगा कि कृष्ण के साथ क्या हुआ, इस गोप कुमार ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से कृष्ण बेहोश होकर गिर पड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का यत्किंचित भी दुख किसी से देखा नहीं जाता और यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं ही मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो सबको प्रश्न पड़ा कि ये कौन व्यक्ति है जिसके स्पर्श मात्र से ये हमारे परम प्रिय कृष्ण ये ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ लोगों को तो आशंका हुई कि शायद ये कंस का भेजा हुआ ही कोई असुर राक्षस है जिसने हमारे कृष्ण को आहत किया है और इस वजह से हर कोई व्यक्ति गोप कुमार की तरफ कुदृष्टि से देखने लग गया। कोई कोई कहने लगी कि यह व्यक्ति निश्चय ही श्रेष्ठ मायावी कंस का कोई सेवक होगा। इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप पूर्वक उच्च स्वर से रोती हुई उन गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। तो सभी के सभी जो वहां पर व्रजवासी आए थे वे हर कोई गोप कुमार को दोष देने लग गया, सबको कहने लगे कि गोप कुमार की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और शायद ये कंस का ही भेजा हुआ दूत है। और फिर सारे ब्रजवासी कृष्ण के आसपास चक्र के रूप में खड़े हो गए और दुख विलाप करने लगे। फिर श्री कृष्ण के पीछे जो सब ग्वाल बाल थे वे भी अतिशीघ्र वहां आ पहुंचे और श्री कृष्ण को वैसी अवस्था में देखकर करुण स्वर से रोने लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण गोप कुमार को मिलने के लिए अकेले ही दौड़ पड़े
तो सारे जो कृष्ण के मित्रगण थे वो पीछे ही रह गए थे। लेकिन अभी सब लोग वहाँ पर उपस्थित होकर रो रहे, तो इस ब्रजवासी बच्चों को लगा कि शायद कुछ तो हुआ है, तो सब लोग वे दौड़ते हुए कृष्ण के पास आए, और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े हैं तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ और वे भी रोने लग गए। तब उस भयंकर रोदन की ध्वनि को दूर से सुनकर ब्रज में रहने वाले श्री नंदराय और वृद्ध गोप पुत्र वत्सला श्री यशोदा तथा अन्य अन्य वृद्ध गोपियाँ, यहाँ तक कि उनकी दासियाँ भी स्खलित गति से दौड़ती हुई वहाँ आ पहुँची तथा श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर हाहा शब्द द्वारा विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। तो नंद महाराज, घर की सारी जो स्त्रियाँ थी, यहाँ तक कि दासियाँ गण भी जब कृष्ण की अवस्था देखी तो सबको ही रोने लग गया वहाँ पर। फिर गौवे, बैल और बछड़े तथा काले वर्ण के हिरण आदि भी वहाँ आ पहुँचे। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर वे सभी कातर होकर रोने लगे। तो केवल मनुष्य ही नहीं, जंगल के जितने भी प्राणी थे तथा पशु प्राणी जो थे वे सब के सब वहाँ पर आकर रोने लग गए। पक्षी भी बड़े दुखित होकर आकाश में श्री कृष्ण के ऊपर इधर उधर उड़ते हुए इस प्रकार कोलाहल मचा रहे थे कि मानो वो रो रहे हो। तो केवल प्राणी ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पक्षीगण भी आकाश में अपना दुख व्यक्त करने लगे। जड़ वृक्ष आदि दुखपूर्ण अंतर अनुताप से एकदम सुख से गए, अधिक क्या कहूँ। उस समय वहाँ के समस्त चराचर शोक से मृत प्राय हो गए थे। तो जितने भी चर अचर प्राणी व्यक्ति थे, वस्तुएं थी, वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के विरह में शोक संतप्त होकर दुखमय हो गई थी। तब मैं भी महान शोक रूपी सागर में डूब गया तथा अत्यधिक दुखवशतः अपने कर्तव्य को भूल गया। क्या करूं कुछ नहीं समझ पाने पर श्री कृष्ण के दोनों चरण कमलों को अपने मस्तक पर रख करके अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगा। तो जब सब इस प्रकार से क्रंदन करने लगे, रोने लगे और मेरी तरफ क्रोध दृष्टि से देखने लगे, तो मुझे अपना ही अपराधी होने का आभास होने लगा। मुझे भी लगने लगा कि मैंने ही कुछ किया है भगवान को, जिसकी वजह से भगवान इस प्रकार से मूर्छित हुए हैं। और फिर गोप कुमार ने श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर रखकर जोर जोर से वे भी विलाप करने लगे। तो ये जो भाव है, ये समझना होगा हमें कि सारे जो ब्रजवासी गण थे वो गोप कुमार को किस प्रकार से देख रहे थे। अभी यहाँ पर जो गोप कुमार की उपस्थिति हुई, भगवान श्री कृष्ण ने आनंद से उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसका परिणाम आगे चलकर गोप कुमार के प्रति हर कोई व्यक्ति द्रोष बुद्धि से देखने लगा और इस वजह से गोप कुमार का दुख और भी बढ़ गया। तो स्वागत तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने व्रजवासियों का रोष अपने ऊपर ले लिया। तो ये परिस्थिति अत्यंत विकट उपस्थित हुई थी। तदुपरांत श्री बलदेव जी, जो अनुज श्री कृष्ण की भांति वेशभूषा और आयु वाले थे, जो नीलांबर द्वारा अलंकृत थे तथा जिनकी अंगकांति गौर थी तथा जो किसी कारण से दूर रह गए थे, भयपूर्वक वेग से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। तो बलराम जी जो है वो कुछ कारणवश वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे और भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों सखाओं के साथ वो आगे निकल पड़े थे। तो जब बलराम जी ने भी देखा कि बहुत भीड़ जमी हुई है और हर कोई व्यक्ति रो रहा है, तो बलदेव जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है। और बलराम जी भी वहाँ पर भागते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण यहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, तो उनको भी बहुत दुख हुआ। चतुर शिरोमणि श्री बलराम भी अनुज श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर रोने लगे तथा क्षण काल के बाद धैर्य धारण करके इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। तत्पश्चात मुझे देखकर स्वयं ही यत्नपूर्वक उन्होंने मेरी दोनों भुजाओं को पकड़कर श्री कृष्ण के कंठ में डाल दिया। तो यहाँ पर बलराम जी को चतुर शिरोमणि कहा गया है। चतुर शिरोमणि इसलिए कहा गया है कि बलराम जी सब जानते हैं, क्योंकि वे भी साक्षात भगवान ही हैं। तो जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ऐसे क्यों मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, तो ये जो बर्ताव है ये हमेशा का बर्ताव नहीं है भगवान कृष्ण का। तो इसलिए बलराम जी ने आसपास कहीं देखा कि क्या कारण हो सकता है, और जब उन्होंने देखा कि सामने गोप कुमार बैठे हैं, तो बलराम जी समझ गए कि ये गोप कुमार के आने के कारण श्री कृष्ण जो है अत्यंत भाव विभोर होकर ये मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, और वे समझ गए कि केवल गोप कुमार ही कृष्ण को वापस अपनी मूर्छा से बाहर निकाल सकता है। और इसीलिए बलराम जी ने गोप कुमार को कहा कि तुम फिर से कृष्ण के गले में उन्हें हाथ डालकर उन्हें आलिंगन दो।
मेरे द्वारा ही बलपूर्वक उन्होंने अपने अनुज को भूमि से उठवाया और मेरे द्वारा ही विचित्र दीनतापूर्वक वाक्यों से उच्च स्वर में उन्हें आह्वान करवाया। तो बलराम जी ने गोप कुमार से ही कहा कि तुम उसे उठाओ, उसे वापस होश मिलाने का प्रयत्न करो, तुम ही उसे उच्चारण करो, हे कृष्ण उठो। तो जब गोप कुमार की वो आवाज़ सुनेंगे तो कृष्ण उठ जाएंगे। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अश्रु धाराओं से बंद से हो रहे अपने नेत्र कमलों को खोला तथा मुझे देखते ही आनंदित होकर आलिंगन करके चुम्बन करने लगे, फिर चारों ओर निरीक्षण करते हुए लज्जित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण को जब गोप कुमार ने इस प्रकार से सचेत करने का प्रयत्न किया तो भगवान, जिनकी आंखें अश्रु धारा से बह रही थी और वो देख नहीं पा रहे थे, तो जब उन्होंने उनको पता चला कि सामने गोप कुमार ही है, तो उसी अवस्था में, सचेतन अवस्था में आकर वे गोप कुमार को आलिंगन करने लगे और उनका चुम्बन करने लगे। तो जब इस प्रकार से वे शुद्धि पर आए तो जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो चारों ओर देखा कि हर जगह पे सब कोई वहाँ पर उपस्थित है, सारे व्रजवासीगण उनके आसपास खड़े हैं। तो अपने इस प्रकार के बर्ताव को देखकर उन्हें थोड़ी सी लज्जा आ गई। अब ये जो लज्जा थी वो इसलिए थी कि कृष्ण इस प्रकार से भाव विभोर हो सकते हैं, ये किसी को लग नहीं रहा था कि गोप कुमार को मिलते ही ये भगवान कृष्ण इस प्रकार से कैसे मूर्छित हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बर्ताव है, इस बर्ताव को प्रदर्शित करने के लिए कृष्ण के सामने लज्जा उत्पन्न हुई। तो सब लोगों ने फिर देखा कि ये जो बालक है, ये जो गोप कुमार है, केवल इसकी वजह से ही कृष्ण भावावेश में आकर गिर गए थे। तो हर एक को उस गोप कुमार की महानता का अनुभव हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस गोप कुमार का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि इसका नाम स्वरूप है और स्वरूप ये श्रीदाम सखा के वंश का एक बालक है जो हमारा मित्र हुआ करता था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने स्वरूप का परिचय सबको कराया और हर कोई व्यक्ति स्वरूप के आने से अत्यधिक आनंदित था, सभी ने उसका स्वागत किया। उस समय श्री कृष्ण मुझसे इस प्रकार मिले जैसे प्राण प्रिय सखा बहुत दिनों के बाद मिलता है। अपने बाएं हस्तकमल से मेरा दाया हाथ पकड़कर वे मुझसे बहुत से विचित्र विचित्र प्रश्न करने लगे। फिर समस्त व्रजवासियों को आनंदित करके झूमते हुए उन्होंने नंद व्रज में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से जैसे कोई मित्र अनेक वर्षों के पश्चात जब वापस मिलते हैं तो किस प्रकार का वह आनंद होता है, किस प्रकार की चर्चा होती है, वैसे ही चर्चा, वैसा ही विचार विनिमय जो था वो भगवान कृष्ण और गोप कुमार के बीच में, या फिर गोप कुमार की जगह पे स्वरूप के बीच में हो रहा था। तो स्वरूप जो है वो व्रजवासियों के साथ समेत फिर बाद में उन्होंने अपने घर में नंद व्रज में प्रवेश किया। वन के मृग श्री कृष्ण के विरह में दुखित होकर उसी स्थान पर ही रह गए, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना वे अन्य किसी स्थान पर जाने में असमर्थ थे। विशेषतः प्रातःकाल पुनः प्रभु के दर्शन हो गए, इसी आशा से उन्होंने उस व्रज गोष्ठ के द्वार पर ही रात्रि यापन की। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी जंगल में प्रवेश करते थे अपने गैयों को चराने के लिए, तो जंगल में रहने वाले जितने भी पशु प्राणी हैं, खास तौर पर हिरण इत्यादि, ये सब भगवान श्री कृष्ण के विरह में कातर हो उठते थे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण शाम के समय पर वापस अपने घर जाते थे तो ये वन्य प्राणी व्रज में प्रवेश नहीं कर पाते थे, गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो ये वन्य प्राणी हमेशा उस गांव का जो अंतिम छोर है, उस अंतिम छोर पर ही कृष्ण के राह देखते हुए वहाँ पर रुक जाते थे, ये सोचकर कि कल जब सुबह होगी और जब कृष्ण वापस घर के बाहर जंगल में आने के लिए निकलेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। तो इस भावना के साथ ये सारे जो वन्य प्राणी हुआ करते थे, ये कृष्ण की राह देखते हुए जंगल के या फिर गांव का जो छोर होता था, अंतिम छोर होता था, वहाँ पर आकर खड़े हो जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि श्री कृष्ण के बिना वे अन्य किसी स्थान पर जाने में समर्थ नहीं थे, इसलिए सुबह तक वे लोग वहीं पर रुके रहे और कृष्ण की राह देखते रहे। गोदोहन के पश्चात पुत्र स्नेह से व्याकुल श्री नंद राय के आग्रह से दोनों भाई गौओं को अच्छी तरह संभाले बिना ही अपने घर चले आए। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि आमतौर पर जनरली ऐसा एवरीडे ऐसा होता था कि जब कृष्ण और बलराम अपने गैयों को शाम के समय पर गैयों को चराकर रिटर्न आते थे
तो गायों को लाने के पश्चात गौशाला में जाकर वे गायों का दूध निकालते थे और गायों को अपनी अपनी जगह पर बांध के रखते थे या अपने अपने गोष्ठी में जाकर रख देते थे। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि नंद महाराज जो है वो इस बार वे चाहते थे कि कृष्ण और बलराम ये कार्य न करें, क्योंकि वे जानते थे कि यशोदा माता अत्यंत तो उत्सुक हो रही होगी कृष्ण और बलराम को मिलने के लिए। तो नंद महाराज स्वयं कहते हैं कि ये कार्य हम कर लेंगे, आप कृष्ण और बलराम तुम जाकर स्नान इत्यादि पूर्ण करो और माता यशोदा को प्रसन्न करो। इस प्रकार से नंद महाराज ने आग्रह करके दोनों भाइयों को घर के अंदर भेज दिया और स्वयं ही गायों को संभालने लग गए। तदउपरांत दोनों पुत्रों को देखकर श्री यशोदा और श्री रोहिणी माताओं के स्तनों से दूध की धारा और नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। वे आगे बढ़कर श्री कृष्ण बलराम के प्रत्येक अंग की बार बार आरती उतारने लगे। तो प्रत्येक अंग की आरती उतारने लगे। श्री कृष्ण बलराम जब घर के अंदर प्रवेशित हो रहे थे तो माता यशोदा और रोहिणी माता इन दोनों ने तथा घर के अंदर जितने भी जो वरिष्ठ गोपियाँ थी उन सब ने मिलकर कृष्ण और बलराम की आरती उतारी और इस प्रकार से सबका स्नेह अत्यधिक बढ़ता गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेम से अधीर होकर मुझे अंतपुर में ले गए। तो फिर तब तक गोप कुमार मतलब स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उपस्थित थे वहाँ पर, और माता यशोदा ने जैसे कृष्ण और बलराम का स्वागत किया उसी प्रकार से माता यशोदा ने भी स्वरूप का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से अधीर होकर उसे स्वरूप को भी अपने साथ घर के अंदर ले गए तथा मेरे द्वारा माताओं को प्रणाम करवाया और स्वरूप से कहा कि ये मेरी माता है, कृपया इन्हें प्रणाम करो। और गोप कुमार या फिर स्वरूप ने माता यशोदा को प्रणाम किया, माता रोहिणी को प्रणाम किया और वहाँ पर उपस्थित जितने भी वरिष्ठ जन थे, वरिष्ठ गोपियागण थी, उन सभी को गोप कुमार ने प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब श्री यशोदा माता ने भी मेरे प्रति अपने पुत्र के अपूर्व प्रेम को देखकर मेरा लालन भी अपने पुत्र के समान ही आनंदपूर्वक किया। तो माता यशोदा ने जब देखा कि मैं भी कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम करता हूँ तो माता यशोदा ने भी गोप कुमार के प्रति अत्यधिक प्रेम या वात्सल्य प्रदर्शित किया। तो ये दर्शाता है कि जब भगवान के प्रति यदि कोई अत्यधिक प्रेम स्नेह दर्शाता है तो माता यशोदा भी उस भक्त के प्रति अत्यधिक वात्सल्य हो उठती है। तो ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। जिस समय माँ श्री यशोदा श्री कृष्ण की आरती कर रही थी उस समय बहुत सी ब्रज सुंदरियाँ एक साथ ही वहाँ उपस्थित हुई। उनमें से कोई किसी कार्य के छल से तथा कोई सब प्रकार से निरपेक्ष होकर आई थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर के अंदर चले गए तो व्रज की जो कुछ गोपियाँ थी, खासतौर पर कुमारी गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण की ही आयु के बराबर थी, ये सारी गोपियाँ अचानक से सब लोग घर के अंदर इकट्ठा हो गई। तो कुछ लोग किसी काम का बहाना बनाकर घर के अंदर आई थी तो कुछ लोग केवल ऐसे ही कृष्ण और बलराम को देखने के लिए वहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि व्रज सुंदरियाँ एक साथ वहाँ पर उपस्थित हुई। ये इनका उपस्थिति इसलिए था क्योंकि वे सब भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, वे अपने कृष्ण से मिलने वहाँ पर आई थी और ऐसे ही आ नहीं सकते इसलिए कुछ बहाने बनाकर वो कृष्ण से मिलने आई थी। अब ये बहाने क्या थे वो आगे प्रस्तुत होगा ही, लेकिन ये सब यहाँ वहाँ पर आई ताकि उनके आँखों को कृष्ण का दर्शन का आनंद प्राप्त हो सके। जब माताओं ने उन दोनों भाइयों को स्नान कराना आरंभ किया तब व्रज सुंदरियों की रति में आसक्त श्री कृष्ण कहने लगे, हे माताओं, हम दोनों भाइयों को बड़ी भूख लग रही है, अतएव आप जल्दी से भोजन तैयार करें और पिताजी को बुलाकर उनके सहित हमें भोजन करवाइए। तो यहाँ पर जब माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम को स्नान करा रही थी अपने हाथों से, तो वहाँ पर सारी की सारी जो व्रज गोपिकाएँ हैं वो सब उस स्नानाघर में उपस्थित थी और भगवान श्री कृष्ण के मन में उन गोपियों के साथ लीला करने की इच्छा हुई। तो माता के सामने तो गोपियों के साथ लीला नहीं कर सकते, तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति लड़ाई। उन्होंने कहा माता से कि माता कृपया करके आप, हमें बहुत भूख लगी है और कुछ हमें खाने के लिए चाहिए, आप कृपया करके रसोई घर में जाइए और हमारे लिए कुछ बनाइए। तो ये सुनकर माता यशोदा पुत्र प्रेम में मोहित हो गई और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे पुत्र को बहुत भूख लगी होगी
तो ऐसा करती हूँ कि उन्होंने कहा, व्रज गोपिकाओं से ही कहा कि तुम कृष्ण को स्नान करा दो, और माता यशोदा स्वयं रसोई घर में जाने के लिए उत्सुक हुई। लेकिन वहाँ पर बलराम जी भी उपस्थित थे, और बड़े भाई के सामने भगवान कृष्ण कैसे अपने गोपिकाओं के साथ लीला कर सकते हैं। तो बलराम जी को भी वहाँ से जल्दी चलता करने के लिए उन्होंने कहा कि नंद बाबा को भी आप बुलाइए, ताकि नंद बाबा के आते ही हम लोग खाना खा सके, क्योंकि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अपने पिता के बिना वे कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो जब श्री कृष्ण की ये युक्ति संगत बात सुनी तो माता यशोदा ने तुरंत कह दिया कि बात बराबर है। तो आमतौर पर बलराम जी को ही नंदा महाराज को बुलाने के लिए भेजा जाता था, तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति क्या लड़ाई, उन्होंने सोचा कि अगर नंदा महाराज को बुलाने के बहाने अगर बलराम जी को जाना होगा तो बलराम जी का स्नान सबसे पहले हो जाएगा और मेरा स्नान बाद में होगा, तो जब बलराम जी यहाँ से चले जाएंगे तो मैं गोपिकाओं के साथ अत्यंत आनंदपूर्वक लीला कर सकूँगा। तो ये विचार से उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि हम दोनों भाइयों को बड़ी भूख लग रही है, अतएव आप जल्दी से भोजन तैयार करें और पिताजी को बुलाकर उनके सहित हमें भोजन करवाइए। तो पिताजी को बुलाने के लिए बलराम जी जाएंगे, तो ये उनकी उनका प्लानिंग था। श्री कृष्ण के मुख से अपने लिए प्रिय इन वचनों को सुनकर सभी गोपियाँ कहने लगी, हे व्रजेश्वरी यशोदे, हे देवी रोहिणी, आप इस स्नान कार्य को छोड़ दीजिए। तो जितने भी अन्य जो वहाँ पर गोपिकाएं थीं उनको भी कृष्ण का प्लान समझ में आ गया, और उन्होंने भी एक स्वर में कहा कि हाँ माता यशोदा, आप तुरंत ही ये काम छोड़ दीजिए, ये काम हम कर लेंगी, आप तुरंत ही जाकर खाना बनाने का काम चालू कर दीजिए, आप जल्दी ही इनके लिए भोजन तैयार कीजिए, हम सुखपूर्वक कृष्ण बलराम को अच्छी प्रकार से स्नान करा देंगे। तो सभी गोपिकाओं ने ये जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर ले ली, ताकि ये गोपिकाएं भी भगवान कृष्ण के साथ लीला करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी। तो उन्होंने भी कहा कि हम ये श्री कृष्ण को स्नान इत्यादि करा देंगे। श्री यशोदा जी ने कहा, हे बालिकाओं, तुम पहले बड़े भाई बलराम को जल्दी से स्नान कराकर भेजो, जिससे कि वह जाकर श्री गोपराज को भोजन के लिए यहाँ बुला लाए। तो कृष्ण का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ कि बलराम जी को सबसे पहले स्नान करा के वे तुरंत ही वहाँ से उनको चलता कर देंगे। तो फिर गोपिकाएं और कृष्ण अपने दिव्य लीला का आनंद उठा सकते हैं। अतएव श्री यशोदा तथा रोहिणी की रसोई घर में प्रवेश करते ही उनमें से कुछ गोपियों ने शीघ्र ही सुचारू रूप से श्री बलदेव को स्नान कराकर श्री नंदराज के पास भेज दिया। तो एज पर द प्लानिंग बलराम जी का स्नान कराकर उन्होंने नंद बाबा के पास उनको भेज दिया। श्री बलराम के उस स्थान पर न रहने से ही गोपियाँ असंकोच पूर्वक अपना प्रिय कार्य कर सकती थी। बलराम की साक्षात उपस्थिति में ब्रज सुंदरियों द्वारा अपनी अभिलाषा के अनुरूप श्री कृष्ण का स्नान आदि क्रीड़ा सुख संभव नहीं था। तो क्योंकि बलराम जी बड़े भैया हैं, तो बड़े भाई के सामने किस प्रकार से ऐसे लीला कर सकते हैं, तो इस वजह से सारी गोपिकाओं ने बलराम जी को वहां से जाने के लिए सबसे पहले उनका स्नान कराया, और फिर उसके पश्चात कृष्ण का स्नान कराने के लिए तैयार हुए। उन व्रज सुंदरियों ने परस्पर सेवा कार्य विभाग कर लिया, और फिर क्रम से श्री कृष्ण के विविध प्रकार के भूषण आदि को उनके अंगों से उतार कर अपने अपने वस्त्रांचल से उनके अंगों का मार्जन करने लगी। तो जब वहाँ पर कोई नहीं रहा, कोई कोई भी माताएं वहाँ पर नहीं थी, स्वयं बलराम जी भी वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर केवल कृष्ण और सारी गोपिकाएं थीं, तो सबके मन के अनुसार सारी इच्छा पूर्ण हो रही थी। तो फिर गोपिकाओं ने एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के शरीर से सारे आभूषण निकालना चालू कर दिया, ताकि उनका स्नान इत्यादि करा सके। लेकिन जब भी गोपिका इस प्रकार से कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रही थी, तो सारी गोपिकाओं के मन में एक विशिष्ट प्रकार का रति व्यवहार उत्पन्न हो रहा था, जो केवल कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम का कारण था। फिर उन समस्त व्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के हस्तकमल में स्थित वंशी को अपनी सपत्नी मतलब सौत की भांति मानकर श्री कृष्ण के हाथों से एक साथ ही बलपूर्वक छीनने की चेष्टा की। तो जब इस प्रकार से कृष्ण के शरीर पर से आभूषण जब वे उतार रही थी, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण के हाथों में बंसी है, और ये बंसी गोपिकाओं के लिए एक प्रकार की सौत की भांति थी। वे सोचती थी कि ये हमारी प्रतिद्वंद्वी है,
ये बंसी हमारी प्रतिद्वंद्वी है, तो इसलिए तुरंत ही कृष्ण के पास से वो बंसी को छीनने का प्रयत्न किया गया। तो इसके लिए सारी गोपिकाओं ने, मतलब उनमें से कुछ गोपिकाओं ने कृष्ण के पास झपट पड़े और उस बंसी को छीनने का प्रयत्न किया कृष्ण से। लेकिन कृष्ण भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने उन चतुर शिरोमणि ने संकेत द्वारा मुझे समझाया तथा मेरे द्वारा उनकी पीठ की ओर हाथ बढ़ाने पर उन्होंने चतुरतापूर्वक उस बंसी को मेरे हाथ में दे दिया। तो गोप कुमार को भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला में सहभागी कर लिया और गोप कुमार के हाथों में चतुरतापूर्वक वो बंसी थमा दी, जिससे गोपियों के हाथ में वो बंसी लग न सके। तो इस प्रकार की लीला में गोप कुमार भी सहभागी हो गया और गोप कुमार को ये लीला देखकर अत्यंत आनंद हुआ। तो गोप कुमार भी वहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी गोपियों की जो लीला है वो सब देख रहे थे। तो कहने का आशय है कि गोप कुमार या फिर स्वरूप जो है श्री कृष्ण का परम प्रिय मित्र और सखा था, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उसके सामने भी गोपियों के साथ का जो आदान प्रदान है वो प्रदर्शित किया, जो दर्शाता है कि ये जो स्वरूप था या गोप कुमार है वो श्री कृष्ण के भाव को या उस माधुर्य लीला को समझ सकता है या उसके लिए उपयुक्त, उसका उसका जो भाव है उसे समझने के लिए उपयुक्त है। इसलिए गोप कुमार या स्वरूप वहां पर उपस्थित थे। गोपियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के अंगों पर उत्तम तेल लगाया और अपने कोमल हस्तकमलों द्वारा निपुणता से धीरे धीरे उपटन लगाना आरंभ कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर के सारे आभूषण निकालने के पश्चात उन्होंने धीरे धीरे कृष्ण के शरीर पर तेल और उपटन लगाना आरंभ कर दिया और बहुत ही कोमल हाथों से कृष्ण को वो तेल और उपटन लगा रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये बहुत ही चतुर थे और वे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालने लगे। तथापि अति सुकोमल श्री अंग होने के कारण अथवा लीला परिहास वशतः श्री कृष्ण मुँह बनाते हुए पीड़ा हेतु सीसी शब्द करने लगे। जो जैसे कोई जब शरीर पे मार्जन होता है तो जब पीड़ा होती है तो ऐसा करता है कोई, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी परिहास मतलब हंसी मजाक हेतु ये गोपिकाओं के द्वारा की गई सेवा को ऐसे दर्शा रहे कि गोपियों के वो तेल तथा उपटन मार्जन के द्वारा उनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनको बहुत पीड़ा हो रही है, या फिर गोपिकाएं कृष्ण के शरीर पर बहुत जोर जोर से ये उपटन घिस रही है जिसके कारण कृष्ण को बहुत पीड़ा हो रही है और कृष्ण जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ये बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो जब ये ऐसी आवाज़ें जब माता यशोदा ने सुनी तो यशोदा माता डर गई, उन्हें लगा कि क्या हो गया मेरे बेटे को। श्री कृष्ण ही जिनके एकमात्र प्राण स्वरूप है वे श्री यशोदा जी अपने पुत्र के पीड़ापूर्ण स्वर को सुनकर शीघ्र ही घर से बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ क्या हुआ। तो माता यशोदा बहुत डर गई या फिर बहुत अत्यधिक पुत्र स्नेह के कारण उन्हें आश्चर्य हुआ कि कृष्ण क्यों इस प्रकार से पीड़ा व्यक्त कर रहा है, कि ये गोपियाँ क्या कर रही है कृष्ण के साथ। तो इस वजह से माता यशोदा अपने रसोई घर से बाहर आई और आकर देखने लगी कि कृष्ण को क्या हुआ है। और फिर जब वे वहाँ पर आती है तो देखती है कि कृष्ण मजाक कर रहे थे। तत्पश्चात श्री यशोदा ने पुत्र के हास्ययुक्त मुख को देखकर पुनः घर में प्रवेश किया। तो जब देखा कि कृष्ण उन गोपिकाओं के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो वे भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर वे भी वापस अपने गृह कार्य में चली गई। तब व्रज सुंदरियों ने भय तथा मृदु हास्य सहित गान करते करते उपटन लगाने का कार्य समाप्त किया। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि अभी गोपिकाएं गाना गाना प्रारंभ कर दिया। अभी गाना क्यों गाया, सनातन गोस्वामी बताते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो चिल्लाने का आवाज़ है या दुख व्यक्त करने का जो आवाज़ है वो आवाज़ माता यशोदा तक न जाए, या फिर गोपिकाओं के गाने के द्वारा कृष्ण की जो पीड़ा करने का जो नाटक है वो आवाज़ माता यशोदा तक न जाए। इसलिए सारी गोपिकाएं जोर जोर से गीत गाने लगी और कृष्ण का अंग मार्जन करने लगी। फिर गोपियाँ गुनगुने और सुगंधित श्री यमुना के निर्मल जल को रत्न से बने हुए कलश में से लोटे द्वारा लेकर लीलापूर्वक श्री कृष्ण पर फेंक फेंक कर उन्हें स्नान कराने लगे। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार दिख रहा है हमें। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब स्नान कराने का समय आ गया, उपटन लगाकर होने के बाद जब स्नान कराने का समय आया तो सारी गोपिकाएं अपने हाथों में लोटा ले लेकर कृष्ण के ऊपर पानी फेंक रही थी। तो साधारण स्नान नहीं करा रही थी बल्कि कृष्ण को हंसी मजाक में कृष्ण के ओर पानी फेंक रही थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण
को अत्यधिक लीला का आनंद प्राप्त हो। तो इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की लीलाएं हमेशा नित्य उस गोलोक धाम में होती रहती है, जहाँ पर गोपिकाएं कृष्ण के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करती है, भगवान भी उस लीला में सहभागी होते हैं और गोप कुमार इन सब लीलाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। हमें भी इस प्रकार की लीला सुनने का अवसर प्राप्त होता है जब इसी प्रकार से आचार्य इन सब लीलाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर हास्य युक्त लीलाएं करते रहते हैं और ये उनका नित्य कार्य होता है। वहाँ पर किसी प्रकार का शोक, दुख, दुविधा या किसी प्रकार की ईर्ष्या वृत्ति कहीं पर भी नहीं रहती। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हमेशा अनुकूल भाव में उनके साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ये वहाँ का नित्य व्यवहार है। तदुपरांत गोपियों ने अपने अपने घर से लाई हुई माला, चंदन, वस्त्र और आभूषण आदि द्वारा अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री कृष्ण का विचित्र नटवर वेश में श्रृंगार किया। तो भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार कराने लगे। नटवर वेश मतलब द बेस्ट अमंग ऑल द एक्टर्स, मतलब इतना सुंदर, मतलब हीरो, मतलब एक प्रकार से सुंदरता का प्रतीक बनाने का प्रयत्न उनको कर रहे थे। तो गोपियाँ अपने घर से लाए हुए आभूषणों से, अपने अपने घर से लाए हुए जो माला है, आभूषण, चंदन इत्यादि है, तो उसमें से जो कुछ गोपियाँ थी जो वहाँ पर अलग अलग बहाने से उपस्थित हुई थी, तो उसमें से बहाना था कि कृष्ण को अलग अलग प्रकार के वस्तु अर्पण करना। और ये सारी जो गोपियाँ हैं कृष्ण को अलग अलग प्रकार से सुंदरता से सजा भी रही थी। तत्पश्चात गोपियों ने एकांत में उन्हें कुछ भोजन कराकर कर्पूर दीप आदि द्वारा बार बार उनकी आरती उतारते हुए उस आरती को अपने अपने मस्तक पर लगाया। तो यहाँ पर भगवान की आरती का करने का वर्णन आया है। यहाँ पर जो आरती करने के पूर्व इसमें बताया कि उन्होंने एकांत में उन्हें कुछ भोजन कराया। तो एकांत में क्यों भोजन कराया? क्योंकि माता यशोदा अभी खाना पकाने गई है और जब वे देख उन्हें अगर पता चलता कि गोपिकाओं ने पहले से ही कृष्ण को खाना खिला दिया है, तो फिर कृष्ण हमारे हाथ का भोजन कैसे करेंगे? तो शायद माता यशोदा क्रोध करेगी और हमें डांट देंगी। तो इसलिए सभी गोपिकाओं ने, जो जिन्होंने भी कृष्ण के लिए कुछ खाने की वस्तु लाई थी, वो छुपके से कृष्ण को एकांत में लेकर कृष्ण को अपने हाथों से वो खिलाया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सब गोपिकाओं को प्रसन्न करने के लिए उनके हाथों से वो सारा भोजन किया और अल्प मात्रा में किया, जिसके कारण उनकी भूख बनी रहे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ उन गोपिकाओं ने अत्यंत मधुर लीला पूरी की। फिर उन्होंने केशर, कस्तूरी, मिले हुए दिव्य चंदन के लेप से श्री कृष्ण के कंठ, मस्तक तथा कपोलों को अति सुंदर रूप से चित्रित किया। तो चंदन के लेप से या चंदन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बहुत अच्छी तरह से उनको विभूषित किया, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भी सुंदर लग रहे थे। तब श्री कृष्ण में अपने प्रति मधुर भाव को देखकर व्रज गोपियों के हाथों में कंपन होने लगा। यत्नपूर्वक अपने को स्थिर करके उन गोपियों ने प्रसन्नता सहित उनके नेत्र कमलों में काजल लगाया। तो जब भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से श्रृंगार किया जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों की तरफ मधुर भाव से देखने लगे। तो एक प्रकार से उस मधुर प्रेम, मधुर भाव को देखकर गोपियों का जो चित्त है वो पूरी तरह से हिल गया। उन्होंने कृष्ण के आँखों में प्रेम माधुरी देखी और उसकी वजह से उनके हाथ काँपने लग गए। तो इस प्रकार से जब हाथ काँपने लग गए, तो कृष्ण के आँखों में काजल वो कैसे लगा सकते थे? तो जब कृष्ण के आंखों में काजल लगाने का समय आया, तो उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत यत्न करके अपने हाथों को स्थिर किया और कृष्ण के आंखों में काजल इत्यादि लगाया। इस प्रकार परस्पर प्रीति प्रकाश करते हुए श्री कृष्ण की वेश रचना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गोपियां तिलक आदि द्वारा उनका श्रृंगार करती और श्री कृष्ण बार बार उसको मिटा देते। तो इतना देर, बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण का जो श्रृंगार इत्यादि कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो वो क्यों पूर्ण नहीं हो रहा था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी उनके मस्तक पर अलग अलग प्रकार के तिलक लगाया करते थे गोपीगण,
तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और फिर वो मिटा देते थे। और फिर से गोपिकाएं कृष्ण को वापस श्रृंगार करना प्रारंभ करते, लेकिन कृष्ण वापस जानबूझकर वो लीला बढ़ाने हेतु, गोपिकाओं को प्रसन्न करने हेतु फिर से कहते थे कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी हटा दो। और ऐसे कहते कहते बहुत देर होने लग गया, और ये बहुत देर होने के बाद माता यशोदा से रहा नहीं गया, और वे आकर पूछने लगी। श्री यशोदा माँ का मन अपने पुत्र के स्नेह से व्याकुल हो रहा था, अतएव वे बार बार घर से आकर देख रही थी कि पुत्र की वेश रचना समाप्त हुई है या नहीं। विलंब होता देखकर क्रोधित सी होकर वे गोपियों को इस प्रकार कहने लगी, अरे गोप कुमारियों, बाल्य अवस्था के कारण तुम बड़े चंचल स्वभाव की हो, अभी तक कृष्ण का स्नान वेश रचना समाप्त नहीं हुआ है क्या? तो माता यशोदा थोड़े से गुस्से में आकर उन सारी गोपियों को बोलने लगी कि अभी तक तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, तुम अभी भी बालिका ही हो। तो इस प्रकार से माता यशोदा उन गोपियों को डांट रही थी। वे ब्रज सुंदरिया अपने प्रिय श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर बार बार उनके मुख कमल का निरीक्षण कर रही थी। उस समय गोपियों के चित्त को परिहास करने में उत्कंठित जानकर गोपियों का प्रिय कार्य करने वाली वृद्धा मुखरा बोली, अरे पुत्री यशोदे, यहाँ आकर हर्षपूर्वक देखो तो सही, इन सभी बालिकाओं ने तुम्हारे श्याम वर्ण के पुत्र को कैसा सुंदर बना दिया है। तो फिर जब इस प्रकार से माता यशोदा ने उन गोपिकाओं की तरफ डांट कर बोला, तो सारी गोपिका कहने लगी, नहीं नहीं अभी हो जाएगा, अभी थोड़ा ही बचा है, थोड़े ही समय में हो जाएगा, ऐसा कर कहते थे और माता यशोदा को भेज देती थी। तो वास्तविक तौर पे कृष्ण इस प्रकार की लीला कर रहे थे। ये सब वहाँ पर बैठी हुई एक वृद्ध गोपी जिसका नाम मुखरा था, वो ये सब देख रही थी, और वे सब गोपिकाओं के भाव को समझती थी, और इसी वजह से उसने गोपिकाओं का जो भाव है और वर्धित करने के लिए यशोदा माता से कहा कि देखो तुम्हारा श्याम वर्ण पुत्र कितना सुंदर लग रहा है, इन गोपिकाओं ने तुम्हारे श्याम वर्ण पुत्र को सही मायने में सुंदर बना दिया है। तो एक प्रकार से मुखरा, वो वृद्धा गोपी जो थी मुखरा देवी, वो कह रही थी कि तुम्हारा जो श्याम वर्ण मतलब काला पुत्र है, उसको इन गोपियों ने सुंदर बना दिया है। मतलब एक प्रकार से ताना मार दिया कि मेरी गोपिकाओं ने, हमारी जो ये जो बालिका गोपिकाएं हैं, इन गोपिकाओं ने तुम्हारे काले कृष्ण को कितना सुंदर बना दिया, देखो तो सही। तो जब इस प्रकार से मुखरा ने ऐसी बात कही तो माता यशोदा से रहा नहीं गया, वे तुरंत वहां पर आ गई और कहने लगी, मुखरा नामक अपनी धात्री के इन वचनों को सुनकर श्री यशोदा जी फिर से रसोई घर के बाहर आई, और यह जानकर कि ये परिहास कर रही है, क्रोधित सी होकर इस प्रकार कहने लगी। तो माता यशोदा भी क्रोधित होकर उन सब गोपिकाओं को डांट रही है। वे कहती है, स्वाभाविक अनंत सौंदर्य जिसके चरण कमलों की आरती उतारता है, मेरे उस पुत्र श्याम सुंदर का सौंदर्य जगत के समस्त सौंदर्यों के सिर पर नृत्य करता है। तो जब किसी ने भी माता यशोदा के सामने अपने पुत्र की अगर थोड़ी सी भी निंदा की तो ये माता यशोदा को सहन नहीं होता था। तो यहाँ पर मुखरा के शब्दों को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जगत का जो भी सौंदर्य है, उस सौंदर्य के ऊपर मेरे कृष्ण का सौंदर्य नृत्य करता है। मतलब मेरे कृष्ण का सुंदरता, वो श्याम वर्ण का होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता इतनी महान है कि सारे जगत की जो सुंदरता है उसके सामने धूल चाटती है। तो इस प्रकार से जो वर्णन आता है, ये वर्णन हमें बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत हो रहा है। यह निश्चय जानो कि इन सब व्रज गोपियों का अत्यधिक सौंदर्य मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के कण मात्र की आरती उतारने की भी योग्य नहीं है। तो फिर बाद में इन गोपिकाओं से कहने लगी कि तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत सुंदर लिखती हो, लेकिन मेरे कृष्ण के सुंदरता के सामने तुम्हारी सुंदरता कुछ भी नहीं है। मेरे कृष्ण के चरण का जो नख है उसके अग्रभाग के कण मात्र की भी आरती उतारने के भी योग्य नहीं है तुम्हारे सुंदरता। तो इस प्रकार से माता यशोदा अपने पुत्र की बढ़ाई करते हुए उन सभी गोपिकाओं को और खास तौर पर उस धात्री मुखरा को इस प्रकार से उत्तर देती है। श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री यशोदा नंदन की सुंदरता, लावण्य, शोभा और मधुरिमा का क्या वर्णन करूं?
संसार में किसी वस्तु के साथ उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। अन्य अन्य अवतारों की तो बात ही क्या, उनकी उपमा साक्षात द्वारकानाथ के साथ भी नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर गोप कुमार वर्ण सॉरी स्वरूप, गोप कुमार मतलब स्वरूप ही है, स्वरूप उनका वास्तविक नाम है आध्यात्मिक जगत में। तो स्वरूप ने उस ब्राह्मण से कहा कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता क्या वर्णन करूं, उनकी सुंदरता ऐसी है कि उनकी तुलना भगवान के अन्य किसी भी अवतार के साथ नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि द्वारकाधीश कृष्ण के साथ भी उनकी सुंदरता की तुलना नहीं की जा सकती, कृष्ण उन सभी से अत्यधिक सुंदर है, ऐसा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तब गोपराज श्री नंद राय जी स्नान करके श्री बलराम के साथ वहाँ आ रहे हैं, ऐसा जानकर गोपियों ने अपने आप को छिपा लिया और श्री कृष्ण भी जल्दी से आगे आकर अपने पिता से मिले। तो जब सबको पता चल गया कि नंद महाराज आ रहे हैं तो सारी गोपियाँ अपना हंसी मजाक छोड़कर कहीं जाकर छुप गई, क्योंकि वे सब अत्यंत लज्जावश वे घर के किसी बड़े पुरुष के सामने उपस्थित नहीं होती थी। तो ये एक कल्चर का भाग है, तो इस प्रकार से गोपियों का बर्ताव था। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही जाकर नंद महाराज के पास गए और उनके साथ फिर वे खाना खाने के लिए उपस्थित हुए। श्री नंद राय जी भोजनशाला में स्वर्ण के आसन पर बैठ गए तथा उनके बाई ओर में श्री यशोदा नंदन और दाई ओर में श्री रोहिणी नंदन बैठ गए। मैं भी उनके आग्रह से उनके सामने बैठ गया। तब उन सभी ने भोजन करना आरंभ किया। तो वहाँ पर भोजनशाला जहाँ पर खाना परोसा गया था, वहाँ पर नंद महाराज तथा कृष्ण बलराम उनके आसपास बैठे थे और कृष्ण के आग्रह से स्वरूप भी उनके साथ उस भोजन कक्ष में आकर बैठ गए थे प्रसाद के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण और सभी लोग अन्न ग्रहण कर रहे थे और अलग अलग प्रकार का हास परिहास भी हो रहा था वहाँ पर। उस समय श्री रोहिणी देवी रसोई घर से सुंदर रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण तथा चांदी के विविध प्रकार के पात्रों में दिव्य भोजन सामग्री सजा सजा कर भेजने लगी तथा श्री यशोदा देवी स्नेहपूर्वक उसे परोसने लगी। भोग पुरंदर श्री कृष्ण समस्त प्रकार के गुणों से युक्त व्यंजनों का भोजन करने लगे। तो जब सब लोग आकर वहाँ पर बैठ गए तो माता रोहिणी रसोई घर से गरम गरम ताज़ी ताज़ी चीज़ें वहाँ पर भेजने लगी, भोजन सामग्रियाँ भेजने लगी और माता यशोदा वहाँ पर खड़ी होकर सबको भोजन परोसने लगी। तो इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग प्रकार के विशिष्ट व्यंजन कृष्ण बलराम की संतुष्टि के लिए वहाँ पर उपस्थित किए गए। कभी माता श्री यशोदा, कभी पिता श्री नंदराय जी और कभी भ्राता श्री बलराम क्रम से यत्नपूर्वक श्री कृष्ण के मुख में ग्रास देते थे तथा वे भी लीलापूर्वक उनके द्वारा किए गए द्रव्यों को ग्रहण करते जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब खाना खाने बैठे तो नंद महाराज अपने हाथों से खिलाते थे, माता यशोदा अपने हाथों से खिला रही थी और कभी कभी बलराम जी भी अपने हाथों से कृष्ण को खाना खिला रहे थे। तो इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक कृष्ण को खाना खिला रहे थे। तो ये दृश्य अत्यंत सुंदर वहाँ पर उपस्थित था। कटोरों में भरी हुई पीने योग्य सामग्रियों को तथा झारी में भरे हुए परम उत्तम सुगंधित जल को वे भोजन के बीच बीच में पान कर रहे थे। तो जब खाना खा रहे थे तो खाना खाते समय वे जो अलग अलग प्रकार के द्रव्य इत्यादि वस्तुएं थी, जैसे छाछ थी या सुगंधित पानी था इत्यादि जो वस्तुएं थी, वो भगवान श्री कृष्ण खाने के बीच में वो ले रहे थे। सर्वप्रथम घी और शर्करा मिश्रित परम मधुर तथा उत्तम कुछ कुछ गर्म खीर को जलेबी, मालपुआ, बत्तासा और रोटी के साथ भोजन करना आरंभ किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मीठा पदार्थ खाना प्रारंभ किया, जो घी और शक्कर से बना था, मतलब स्वीट पहले उन्होंने खाना प्रारंभ किया। फिर घी से बने हुए अन्यान्य पकवानों के साथ रसाला तथा दही दूध से बनी हुई छेना इत्यादि विविध मिठाइयों को खाया। तो फिर उन्होंने बाद में फिर घी और घी से बने हुए अन्य जो पकवान थे वो खाना प्रारंभ किया और ख़ास तौर पर उन्होंने मिठाई खाना प्रारंभ किया। तत्पश्चात महीन सफ़ेद सुगंधि युक्त कोमल तथा कुछ गर्म चावलों को पकौड़ी, पापड़, अनेक प्रकार के साग, दाल तथा अन्य रसाले व्यंजनों के साथ खाया, जो कि अनेक प्रकार के खट्टे, मीठे, कड़वे, तीखे, नमक आदि मसालों से बने हुए थे। तो यहाँ पर
बहुत सुंदरता से वर्णन आ रहा है। सनातन गोस्वामी बता रहे कि भगवान को क्या क्या प्रिय है और उन्हें क्या क्या आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पदार्थ भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर रहे हैं उसकी सूची यहाँ पर दी गई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो घी और शक्कर से बने हुए जो मीठे व्यंजन है उसको पहले ग्रहण किया, उसके बाद दूध दही से बने हुए मीठे व्यंजन उसको स्वीकार किया। अभी तीसरी बार फिर वो मेन जो कोर्स है चावल दाल इत्यादि जो है वो उन्होंने खाना प्रारंभ किया। इसके उपरांत फिर से शिखरिणी मतलब दही से बनी हुई तरल सामग्री अर्थात हींग जीरा आदि से मिश्रित छाछ को श्री कृष्ण ने स्वयं पिया और मुझे भी पान करवाया। तो मतलब एक प्रकार से सुंदर बड़ा स्वादिष्ट जो छाछ होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है खाना खाने के पश्चात, फिर उस छाछ को उन्होंने ग्रहण किया। तब गोपियों ने भी श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घर से लाई हुई दूध घी और शर्करा से बनी हुई अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और भोज्य सामग्रियों को श्री यशोदा जी के आगे रख दिया। अभी यहाँ पर श्री यशोदा जी के आगे रखने का क्या कारण है इसका भी अर्थ समझाया है सनातन गोस्वामी जी ने। यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ पर फैमिली एटिकेट्स का पालन हो रहा है। जब कृष्ण और गोपिकाएं जब अकेले हुआ करती थी एकांत में हुआ करती थी तो कृष्ण और गोपिका के बीच में बहुत ही घनिष्ठ आदान प्रदान होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर नंद महाराज है, बलराम जी है, बाद में माता यशोदा स्वयं है, तो वहाँ पर सारी गोपिकाओं का जो व्यवहार है वो अत्यंत शिष्ट हो जाता है। और वे यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए लाए हुए अलग अलग जो व्यंजन है वो व्यंजन वे स्वयं परोस नहीं रहे हैं, वे उन्होंने यशोदा माता के हाथ में दे दिया। तो ये एक प्रकार का एटिकेट सारी गोपिकाएं वहाँ पर फॉलो कर रही थी। उन सब गोपियों को आनंद देने के लिए श्री कृष्ण ने उन भोज्य सामग्रियों की प्रशंसा करते हुए विचित्र लीला पूर्वक उनका भोजन किया तथा अपने हस्त कमल से मुझे भी कुछ कुछ खिलाया। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर स्वरूप बता रहे हैं कि उन गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक उन सभी पदार्थों को ग्रहण किया। लीला पूर्वक का अर्थ है कि एक एक पदार्थ लेते थे और कहते थे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसका स्वाद ऐसा है, उसका स्वाद इतना सुंदर है, इससे बढ़कर वो है, अलग अलग प्रकार से लीला करते हुए लीला पूर्वक सभी गोपिकाओं को आनंदित करने के लिए वे अच्छी अच्छी बातें करने लगे वहाँ पर। और धीरे और कुछ कुछ चीज़ें वे गोप कुमार को भी या स्वरूप को भी खिला रहे थे। इसके पश्चात श्री राधिका जी द्वारा स्वयं अपने हाथों से बनाए हुए इलायची दाना तथा गरियों से मिश्रित मनोहर नामक लड्डुओं को श्री कृष्ण के बाई ओर में रख दिया गया, जिससे कि श्री कृष्ण स्वयं ही आसानी से उन्हें ग्रहण कर सके। तो फिर सबसे अंत में श्री राधिका द्वारा बनाए हुए जो लड्डू है यहाँ पर बनाया है इलायची दाना। तो इलायची दाना मतलब एक प्रकार से इलायची दाने के जैसे जो लड्डू होते हैं या बूंदी के लड्डू होते हैं उस प्रकार के लड्डू बनाए गए थे जो अत्यंत स्वादिष्ट थे, और वो भगवान श्री कृष्ण के बाई ओर रख दिए गए जिसके कारण श्री कृष्ण उसे आसानी से ले सके। और श्री कृष्ण भी समझ गए कि ये स्वयं राधा रानी ने बनाया है, तो उन्होंने भी कुछ लीला माधुरी प्रकट करने के लिए वो लड्डू हाथ में लिया। श्री कृष्ण ने उन लड्डुओं में से एक को अपनी तर्जनी अंगुली तथा अंगूठे के नख द्वारा थोड़ा सा तोड़कर जिह्वा पर रखते ही अपने मुख को इस प्रकार से बनाया मानो वे लड्डू नीम की तरह कड़वा हो। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा उसमें से चुटकी भर उस लड्डू का भाग लिया और अपने मुंह पर रखा, अपनी जीभ पर रखा, और तुरंत ही ऐसा मुंह किया मानो कि बहुत ही कड़वा लड्डू हो। तो इस प्रकार का कृष्ण का जो मुख बन गया था वो देखकर बलराम जी बहुत जोर से हंस पड़े। श्री कृष्ण के मुख की भंगी को देखकर श्री बलराम जी मुस्कुरा पड़े। श्री यशोदा जी राधिका जी के प्रति क्रोधित हो गई तथा श्री नंद राय जी आश्चर्य में पड़ गए। उस समय मुग्धा सखिया दुखी हो गई तथा विपक्षी सखियों को आनंद हुआ। तो इसका जो टीका है सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शन टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण के इस प्रकार का जो चेहरा था मतलब उन्होंने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया ये दर्शाने के लिए, अरे ये लड्डू है लेकिन लड्डू जैसा है ही नहीं, एकदम नीम जैसा कड़वा, मीठा होने की जगह पे नीम जैसा कड़वा है,
ऐसे एक प्रकार से उन्होंने नाटक किया या एक प्रकार से छल किया, जिसके द्वारा हर कोई वहाँ पर जो उपस्थित थे जोर जोर से हंसने लगे। तो उसमें से बलराम जी हंसने लगे, क्योंकि वो बलराम जी समझ गए कि कृष्ण मजाक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वर्णन आया है, यशोदा माता वे क्रोधित हो गई, उन्हें लगने लगा कि ये राधा ने जो लड्डू बनाया है इतने कड़वे कैसे बना दिए, क्या इसको इतना भी खाना पकाना नहीं आता। इस प्रकार से माता यशोदा राधा रानी के ऊपर क्रोधित हो गई। फिर यहाँ पर बताया गया कि नंदराय जी आश्चर्य में पड़ गए। तो नंद महाराज को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वे जानते हैं कि राधा रानी के हाथों से कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कृष्ण इस प्रकार का क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ये सोच के नंद महाराज आश्चर्यचकित हो गए। और फिर यहाँ पर लिखा है, उस समय मुग्धा सखिया दुखी हो गई। तो कृष्ण के विभिन्न जो सखियाँ हैं, व्रज गोपिकाएँ जो हैं, उनके भी दो ग्रुप है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। एक है ग्रुप है श्री राधा का ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप है वो चंद्रावली का ग्रुप है। दोनों का ग्रुप जो है वो एक दूसरे की हमेशा एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी रहती है, मतलब हर कोई प्रत्येक ग्रुप दूसरे ग्रुप के विरुद्ध जब कुछ कार्य होता है तो प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो ये एक आध्यात्मिक प्रतिद्वंद्वता है, हमें इसे भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। तो जब राधिका ने के हाथों इस प्रकार की गलती हुई, मतलब श्री कृष्ण ने ऐसा नाटक किया गलती होने का, तो जो कृष्ण जो श्री राधिका के ग्रुप की जो गोपियाँ थी उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि अरे श्री राधिका से गलती हो गई, ऐसे कैसे हो सकती है, हमारी सखी से कैसे गलती हो सकती है। तो ये देखकर जो प्रतिद्वंद्वी जो दूसरी ग्रुप की सखियाँ थी, चंद्रावली इत्यादि सखियाँ, वे उनको प्रसन्नता हुई। उनको लगा अरे वाह, देखो हमारी राधिका के बनाए हाथ का बनाया हुआ खाना खाने से कृष्ण को बहुत ही मतलब उनका मुंह खराब हो गया, और हमने जो पदार्थ दिए थे कृष्ण ने उसकी स्तुति की थी, ये देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। तो इस प्रकार का व्यवहार वहाँ पे प्रस्तुत हो रहा था, और स्वरूप ये सब व्यवहार को, ये सब आदान प्रदान को वहाँ पर देख रहे थे। फिर स्वरूप ने कहा, हे राधे, यह लड्डू तुम्हारे भाई के वंश में उत्पन्न इस स्वरूप के ही योग्य है। इस भाव से श्री कृष्ण ने उस मनोहर लड्डू को मेरी थाली में डाल दिया। मैं उस अत्यधिक स्वादिष्ट लड्डू को पाकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वे अत्यंत स्वादिष्ट थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वो लड्डू का थोड़ा सा भाग चखने के पश्चात जब उसे कड़वा सिद्ध किया, और सभी लोग उसके प्रति देख, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग आश्चर्य कर रहे थे, कुछ लोग क्रोध कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो जो लड्डू है वो लड्डू स्वरूप के प्लेट में डाल दिया, ये दर्शाने के लिए कि ऐसे कड़वे पदार्थ जो है वो केवल राधा रानी के वंशजों को ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि राधा रानी के वंश में ही श्रीदामा सखा है, और श्रीदामा जो है वो यहाँ पर स्वरूप की जो नित्य पहचान है वो श्रीदामा के वंशज के रूप में पहचान है। तो इस वजह से श्री राधा, श्री गोप कुमार जो है, सॉरी, ये श्री स्वरूप जो है वो राधा रानी के वंशजों में आता है, ऐसा सिद्ध हुआ यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को दर्शाना चाहते थे कि ऐसी कड़वी चीज़ है केवल राधा रानी के वंशजों को ही सूट करती है, तो ये कड़वी चीज़ मैं स्वरूप को दूंगा, और स्वरूप के प्लेट में वो लड्डू डाल दिया। स्वरूप ने जब वो लड्डू प्राप्त किया तो उसे बहुत आनंद हुआ। उसने वो सोचने लगे, वो अत्यंत स्वादिष्ट लड्डू को पाकर वे आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे अत्यंत स्वादिष्ट थे। तो उन्होंने खाया वो लड्डू, और वो लड्डू अत्यंत स्वादिष्ट था, लेकिन उन्हें आश्चर्य इसलिए लगा कि इतना स्वादिष्ट होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण इसे इतना कड़वा क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। तब उनको समझ में आया, श्री यशोदा जी के क्रोध करने पर दुखी सी होकर श्री राधिका जी एकांत में श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष करके देख रही थी। तो जब यशोदा माता ने राधिका को क्रोधित होकर चिल्लाया तो राधा रानी थोड़ी सी क्रोधित हो गई, या फिर थोड़ी सी दुखी हो गई, और दुखी होकर अपने आँखों के कटाक्ष से कृष्ण की तरफ गुस्से से देखने लगी। उनके उक्त रोष को लक्ष्य करके श्री कृष्ण ने भी मुख कुछ नीचे करके मंद मंद मुस्कराते हुए उनके प्रति कटाक्ष करते हुए उन्हें आनंदित किया, और भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधिका को अपना सर झुकाकर, मतलब जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की तरफ क्रोध कटाक्ष से देख रही थी, तो कृष्ण भी थोड़े से मुस्कुराते हुए उन्होंने भी अपना सर झुका लिया, ये प्रदर्शित करने के लिए कि मैं तो मजाक कर रहा था।
और ये देखकर कृष्ण जो है वो भी कटाक्ष द्वारा राधा रानी को आनंदित करने लगे। मैं उसी क्षण ही उस लीला के रहस्य को समझ गया। श्री राधा जी को आनंद प्रदान करने के लिए ही विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्ण की यह एक लीला थी। तो गोप कुमार समझ गए कि श्री राधा रानी को आनंदित करने के लिए या उनकी अलग विशेषता प्रस्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो ये जो लीला है ये अत्यंत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। इसके पश्चात उन्होंने आचमन करके लीला भंगी से एक उत्तम तांबुल चबाया और श्री राधिका जी को देखते देखते उस चबाए हुए तांबुल को मेरे मुख में दे दिया। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का विशेष माधुरी भाव जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। अभी गोप कुमार को पता नहीं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। खाना खाने के पश्चात जब उन्होंने आचमन करके हाथ धो लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अंत में तांबुल चबाया। हमारी भाषा में तांबुल को पान बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ने हाथ में तांबुल लेकर चबाया उसे, और उसे चबाने के पश्चात उस तांबुल को जो कुछ तांबुल के कुछ अंश है वो गोप कुमार को दे दी खाने के लिए। और वो भी इस प्रकार से दिए राधिका को दिखाते दिखाते, मतलब राधिका को इस प्रकार से दिखा रहे थे मानो देखो ये तुम्हें भी मिलने वाला नहीं है, ये केवल गोप कुमार के लिए है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस तांबुल पर केवल राधा रानी का ही अधिकार है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को चिढ़ाने के लिए, राधा रानी को चिढ़ाते हुए ये जो तांबुल के कुछ अंश है वो गोप कुमार को खिला रहे थे। तो ये यहाँ पर वर्णन आता है। तब माता श्री यशोदा स्नेह से आतुर होकर भोजन पचाने वाले मंत्रों को पाठ करती हुई अपने बाएं हाथ की हथेली से श्री कृष्ण के उदर को बार बार मार्जन करने लगी। तो माता यशोदा ने जब देखा कि कृष्ण का पेट भर गया है और इतना सारा चीज़ें खाई है तो उसकी पाचन प्रक्रिया अच्छे से हो, इसलिए अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप द्वारा ये भगवान के पेट को सहला रही थी, जिसके कारण उसका पेट में जो पाचन है वो अच्छी तरह से हो सके। तदुपरांत श्री नंद जी गौशाला में चले गए। विचक्षण अर्थात चतुर शिरोमणि श्री बलराम जी अपने शयन कक्ष में चले गए। माँ श्री यशोदा भी घर के कार्यों को करने के लिए घर के भीतर चली गई और कृष्ण गान करते करते उसी आंगन में टहलने लगे। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर लीला प्रस्तुत हो रही है। जब सब कुछ खाना वगैरह सब हो गया तो नंद महाराज गौशाला में चले गए। यहाँ पर लिखा है चतुर शिरोमणि, मतलब विचक्षण चतुर शिरोमणि श्री बलराम जी अपने शयन कक्ष में चले गए। वो क्यों? क्योंकि अभी भगवान कृष्ण समझ गए, सॉरी बलराम जी समझ गए कि अभी खाना खाने के पश्चात श्री कृष्ण जो है अपने गोपियों के साथ अलग एक विशिष्ट प्रकार की लीला करने वाले हैं। और ये बात जानकर बलराम जी वहाँ से चुपके से निकल गए ताकि गोपिकाओं तथा कृष्ण के लीला में मैं माधव न बनूं, इसलिए यहाँ पर उन्हें चतुर शिरोमणि कहा गया है। और फिर माँ यशोदा भी अभी सब खाना वगैरह सबका हो गया और होने के पश्चात घर के गृह कार्य में माता यशोदा चली गई और तो वो भी वहाँ पर नहीं रही। तो हर कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं थे, तो केवल कृष्ण और गोपिका ही वहाँ पर उपस्थित थी। और भगवान श्री कृष्ण भी गान करते करते, मतलब ऐसे ही गुनगुनाते हुए वे अपने आंगन में टहलने लगे। और आंगन में कौन थे? सारी गोपिकाएं जो कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, और भगवान कृष्ण भी उनके साथ दिव्य आदान प्रदान कर रहे थे। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये वर्णन यहाँ पर उपस्थित हुआ। तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे बहुत सी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की और गोपिकाओं के साथ वर्णन की गई है। श्री कृष्ण अपने धाम में कैसा बर्ताव करते हैं, वे कैसी लीला करते हैं, इसका सुंदर वर्णन इस पुस्तक में आया हुआ है। तो हमने तो कुछ अंश ही सुने हैं इन लीलाओं के, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हमें सुनने को मिलेगी आगे चल के श्री कृष्ण की शयन लीला वो भी आने वाली है। तो ये शयन लीला कैसी है, भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपिकाओं के साथ कैसी लीला करते हैं रात के समय, वो सारी लीलाएं का वर्णन हम कल के दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।